हे व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है जे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू डू पिस्टल स्क्वैट्स और सिंगल लेग स्क्वैट्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं लेवल वन से। आपको आनी चाहिए बेसिक स्क्वैट्स, मैं आपको बेसिक स्क्वैट्स करके दिखाऊंगा, और आपको कम से कम इसके 50 रेप्स हो जाने चाहिए, उसके बाद आप सेकंड लेवल पे बढ़ सकते हैं। गाइस, आप 50 स्क्वैट्स कर पा रहे हैं तो आप बढ़ सकते हैं लेवल 2 पे, जो कि है साइड टू साइड लेग स्क्वैट्स। इसको आप कम से कम 15 ईच लेग करके देखें, उसके बाद आप लेवल 3 पे बढ़ें। तो गाइस, मैं आपको सिंगल लेग साइड टू साइड स्क्वैट्स करके दिखाऊंगा, तो आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आप साइड टू साइड सिंगल लेग स्क्वैट्स कर पा रहे हैं तो आप बढ़ सकते हैं लेवल 3 पे, जो कि है, मैं आपको करके दिखाऊंगा वो कैसे करना है, वो है स्टेप अप्स। आप कम से कम एक लेग के 10 स्टेप अप्स करें, उसके बाद आप लेवल 4 पे बढ़ सकते हैं। The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it all. तो गाइस, अब आप आ गए हैं लेवल 4 पे, जो कि है सिंगल लेग स्क्वैट्स ऑन ए बेंच, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप साइड बाय साइड से करके देखें, और आप प्रैक्टिस के दौरान इसे कर सकते हैं। आप जब एक लेग के 5 रेपिटेशन कर पाएंगे, तब आप पढ़ सकते हैं अपने फाइनल लेवल पे, जो कि है सिंगल लेग पिस्टल स्क्वैट्स। तो गाइस, आप लेवल 4 में ये एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं, सिंगल लेग स्क्वैट्स वाइल होल्डिंग ए पोल। मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ, आप इसे भी ट्राई करें। My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. आप सिंगल लेग स्क्वैट कर पा रहे हैं, सिंगल लेग स्क्वैट्स के बेनिफिट हैं, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, आपकी मसल्स को स्टेबलाइज करती है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोगों का वन थाई स्ट्रॉन्ग होती है, वन थाई वीक होती है, तो वन पार्ट वीक वन पार्ट स्ट्रॉन्ग। आपको बैलेंस करने के लिए सिंगल लेग मूवमेंट्स करने चाहिए, और ये बेस्ट मूवमेंट है, और ये आपकी स्ट्रेंथ को भी चेक करती है, स्ट्रेंथ लेवल्स को भी चेक करती है। अगर आप सिंगल लेग स्क्वैट्स कर पा रहे हैं तो आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर गाइस चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सो गाइस, आप कमेंट में बताया कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं हर वीक वीडियोस अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। टिल देन, टेक केयर।